सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमारी यूनिट 1 फूड कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं एंड उसका टेस्ट भी हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो टेस्ट, यूनिट 1 का जो टेस्ट मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी, उसको आपने ज़रूर अटेंड किया होगा। और जो मैंने कंडीशंस, जो रूल्स मैंने आपको बताए थे, आपने उसी रूल को फॉलो करते हुए उसको अटेंड किया होगा। ओके, नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप वापस से उसी तरीके से एग्जामिनेशन का एक एनवायरमेंट बना करके आप उसको कीजिए और देखिए कि मेरा, मुझे कहाँ पे याद है कहाँ पे नहीं याद है। बिकॉज स्टार्टिंग के चैप्टर से हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और स्पेशली जो क्रॉप प्रोडक्शन और मटेरियल्स का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट मटेरियल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। चैप्टर के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड, यानी कि संश्लेषित हिंदी में जिसे बोलते हैं, या फिर आप कृत्रिम बोल दिए जाए, यानी वैसे फाइबर्स, फाइबर्स बोलते हैं रेशे को, राइट? वैसे फाइबर्स जो कि सिंथेटिक हो, यानी मैनमेड हो, इंसानों द्वारा बनाए हुए हैं, एंड प्लास्टिक्स, एंड हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि हमें कुदरत देती है, हम उससे रेशे निकालते हैं, लाइक कॉटन हो गया, जूट हो गया। और कुछ होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं तो उनका जो रॉ मटेरियल होता है, जो उनका कच्चा माल होता है, वो भी नेचुरल फाइबर्स से ही, किसी न किसी प्लांट से, किसी न किसी एनिमल से उसको निकाला जाता है। एंड प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स तो मैनमेड है ही, एंड प्लास्टिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा फैमिलियर भी हैं, बट सिंथेटिक फाइबर्स को हम इसके बारे में जानते तो हैं कि ये कपड़ा ऐसा है, ये कपड़ा नायलॉन का है, ये कपड़ा रेयन का है, या ये टेरिकॉट है, बट हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। सो आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो जो कपड़े आज तक हम लोग, हमारे पास हैं, जिस अलग अलग टाइप्स के, हम उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हम उनको पहचान पाएंगे कि भाई ये कपड़ा क्या कहलाता है, ये वाले कपड़े क्या कहलाते हैं। कॉटन को हम सभी जानते हैं। एनीवे, यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिंथेटिक फाइबर्स, पहले आप लोग सिंथेटिक फाइबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, एंड हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा प्लास्टिक। सो ये दो ही टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक में ये पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। ईजी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। ओके, तो जैसे कि आप किसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगर आपने जैसे नायलॉन की प्रॉपर्टी पढ़ ली, या फिर आपने रेयन की प्रॉपर्टी पढ़ी, या आपने एक्रिलिक जो फाइबर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना होगा, याद करना होगा। सो ये अगर ओवरऑल कहा जाए तो चैप्टर जो है वो आपका थोड़ा सा याद रखने वाला है, थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है ना, ध्यान रखने वाला चैप्टर। रटेंगे तो नहीं, रटने की तो कोई बात ही नहीं है, बट उसको याद करने वाला चैप्टर। ओके, और साथ साथ समझना भी है। यूनिट 2 मटेरियल्स, मोस्ट क्लोथिंग मटेरियल्स और फैब्रिक्स वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ आर मेड फ्रॉम थिन थ्रेड लाइक फाइबर्स। जो भी कुछ हम मटेरियल्स यूज करते हैं, फैब्रिक मटेरियल्स, तो वो जो बने हुए होते हैं वो पतले से थ्रेड लाइक फाइबर्स के से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, अपने डेली लाइफ में, लाइक हम अपने कपड़े यूज करते हैं, हम अपने पर्स यूज कर रहे हैं, हम अपने टेबल क्लॉथ यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो बनी हुई होती है वो पतले धागे के जैसे फाइबर्स से बनी हुई होती है। फाइबर्स कैन बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, लाइक कॉटन की बात कर लो तो कॉटन हमें नेचुरल मिलता है डायरेक्टली, एंड आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल भी होते हैं, यानी कि मैन मेड भी होते हैं। Identify and write the names of different fabrics in the pictures given below. आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है, और जो आपको यहाँ पे जो जिस भी फैब्रिक का, सॉरी जिस भी फाइबर का ये बना हुआ है, जो भी कपड़े वगैरह बना हुआ है, तो आपको उसके बारे में बताना है। Also write P for the fabrics obtained from plants, यानी वो फैब्रिक जो कि प्लांट से हमें मिलता है, तो उसके आगे आपको P लिखना है, ठीक है, P for plant, and A for those obtained from animals, और ए जो है उसके आगे लिखना है जो कि हमें एनिमल से मिलता है।
तो यहाँ पे ये लेडी है, लेडी क्या कर रही है, ये उनसे कुछ बुनाई वगैरह कर रही है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर फोर में है ये, फर्स्ट नंबर पे चलते हैं हम लोग। एनीवे फोर पे चलिए, वूल। तो वूल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको फिल इन द ब्लैंक्स इसको करेंगे, WOOL वूल, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे ए, ठीक है, ए फॉर एनिमल, एनिमल से मिलता है। एंड ये फर्स्ट नंबर है कॉटन, कॉटन के देखिए आप यहाँ पे ये वाली जो टेबल क्लॉथ है वो किसकी बनी हुई है, कॉटन की बनी हुई है। तो हम पहले उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, इसके COTTEN, एंड पी फॉर प्लांट, क्योंकि ये प्लांट से मिलता है तो हम इसके आगे पी लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये पर्स रखा हुआ है, तो ये पर्स जो है वो आपका जूट का बना हुआ है। जूट जो है वो हमारा नेचुरल फाइबर है, ठीक है, जो जूट आज भी बहुत सारी जगहों पे जूट बनाया जाता है, अगरचे आजकल तो प्लास्टिक इसकी जगह यूज की जाती है, जूट की रस्सियां यूज की जाती थी पहले जमाने में ज्यादातर, बट अब प्लास्टिक की ज्यादा लोग मांग है उनकी, बट फिर भी आजकल जूट बनाया जाता है। सो यहाँ पे हम इसको पहले जूट को फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, GUTE ना फिल कर देंगे, एंड चूंकि हमें ये प्लांट से मिल रहा है डायरेक्टली सो हम यहाँ पे पी लिख देंगे। ये कर्टन है, तो कर्टन जो है वो हमारा सिल्क का है, सो SILK के सिल्क, एंड ये चूंकि सिल्क हमें किससे मिलते हैं, सिल्क वर्म से, सो हम यहाँ पे एनिमल लिख देंगे, ए लिख देंगे। ओके, नेचुरल फैब्रिक्स हैव बीन यूज्ड फॉर क्लोथिंग सिंस एंशिएंट टाइम, जो नेचुरल फैब्रिक्स है वो एंशिएंट टाइम से ही हम उसको यूज करते आ रहे हैं, बट nowadays synthetic fibers are largely used for clothing and other purposes. लेकिन अब जो है हम लोग synthetic fibers का use करते हैं, और natural fibers के comparison में हम synthetic fibers का जो है use बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, क्योंकि natural fibers जो होते हैं जैसे silk की साड़ी होगी, silk worm की, अगर आपको एकदम natural silk की साड़ी चाहिए होगी सारी, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा expensive होती है ना, बहुत ही ज्यादा। अगर आपको प्योर कॉटन चाहिए कपड़ा, तो वो भी कपड़ा जो होगा वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, मतलब कॉटन का तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपको बिल्कुल प्योर कॉटन चाहिए, तो वो नॉर्मल कॉटन के सिंथेटिक फाइबर्स से जो बने हुए, जो सिंथेटिक फाइबर्स के जो कॉटन होते हैं, जो मिलावट के बने हुए होते हैं कॉटन, तो उनसे वो एक्सपेंसिव होता है। ओके, लेट अस लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स एंड देयर यूसेस। तो चलिए आइए हम लोग पहले सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, अलग अलग जो हमें दिखते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन फिर उसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस बीइंग आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, यानी वैसे फाइबर्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो हमें कोल से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से ही हमें मिलता है। सिंथेटिक फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स विच आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट, जो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बनाए जाते हैं, और हर एक यूनिट जो है मिलकर के एक सिंगल यूनिट बनाता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। अगर आप पॉलीमर को आप इसको डिवाइड करो, इसके मीनिंग देखो, तो पॉली के मीन्स होते हैं मैनी और मर के मीनिंग होते हैं यूनिट। देखिए ये बात थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रिजेम्बलिंग न्यूमेरियस बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग विद ईच बीड रिप्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल यूनिट दैट इज जॉइंड टू अदर। जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर है उसको आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि एक रस्सी में है बहुत सारे मोतियों की, जैसे एक मोतियों की लड़ी होती है, उसमें बीच बीच में बीड्स होते हैं, है ना, गांठ होती है, और जो हर गांठ जो होती है वो एक इंडिविजुअल यूनिट है जो कि मिल करके एक पूरी यूनिट बना रही है, यानी कि हर बीड एक इंडिविजुअल यूनिट है, यानी कि हर बीड जो है वो एक यूनिट है, और सारी यूनिट्स मिला करके एक यूनिट बना रहे हैं। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड स्पेंडेक्स आर एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जो रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड स्पेंडेक्स हैं, जिनमें से हमने कुछ सुने हुए होंगे, लाइक आपने नायलॉन सुना होगा, पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं, एंड रेयन भी सुना हुआ होगा, तो ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूट बनाया जा रहा है। तो आप जो जूट बनाते हैं गांव वगैरह में, तो आप देखिए पहले जूट को प्लांट किया जाता है, जब इनके ये जो प्लांट्स हैं ये इतने लंबे लंबे हो जाते हैं। अच्छा, इनकी स्पेशल बात ये होती है कि इनको जो है ज्यादातर इनको ज्यादा टाइम पानी में ही रखा जाता है ना, मतलब इनका जो पूरा जो जूट का प्रोसेस है जूट बनने तक के, तो ज्यादातर वो वाटर ही में रहता है। फिर उसके बाद इनको यहाँ पे कुछ
इनमें प्लांट्स में से कुछ को सिलेक्ट कर लिया जाता है, सिलेक्टेड प्लांट्स को निकाला जाता है एंड देन उनको जो है पानी में इस तरह नदियों में उन प्लांट्स को रख दिया जाता है। फिर ये सड़ते रहते हैं ना, मतलब काफी दिनों तक के ये सड़ जाती हैं, इनके ऊपर की जो बार्क वगैरह होती है, तो ये सड़ने के बाद फिर ये ऐसे हो जाते हैं। फिर इनको निकाला जाता है, फिर इनको ऐसे क्लीनिंग ऑफ फाइबर किया जाता है, फिर इनको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद फिर इनकी रस्सी बनाई जाती है। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, आज भी बहुत सारे गांव में इनको बनाया जाता है। रेयन, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे रेयन के। रेयन आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन को आप क्या दूसरा नाम इनका क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क, प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज विच कम्स फ्रॉम वुड पल्प। और ये किससे बनाया जाता है, तो सेलुलोज से बनाया जाता है जो कि वुड पल्प से आती है। सेलुलोज के बारे में आपने सुना होगा, सेलुलोज तो सबसे पहली बात ये है कि ये पूरे अर्थ में, हमारी अर्थ पे जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है। दूसरी बात ये है कि सेलुलोज का इस्तेमाल जो है हम पेपर बोर्ड में भी करते हैं, यानी पेपर बोर्ड को बनाने में या पेपर्स को बनाने में भी किया जाता है, और इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो रेयन को बनाने में भी किया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इट एब्जॉर्ब स्वेट्स, यानी कि ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेती है। रेयन क्लोथ्स आर देयरफॉर प्रेफर्ड ओवर अदर सिंथेटिक फाइबर्स इन समर, जो रेयन क्लोथ जो होते हैं हम उनको गर्मियों में दूसरे जो फाइबर्स होते हैं उनसे हम इनको ज्यादा इसको इनकी मांग होती है। रेयन का यूज कहाँ क्या क्या किया जाता है, रेयन इज यूज फॉर मेकिंग सूट्स, जैकेट्स, स्कार्फ्स, टाइज, होम फर्निशिंग, बेड शीट्स, कर्टेंस, टेबल क्लोथ्स, सोफा कवर्स एक्सेट्रा एंड बैंडेजेस। ठीक है, तो रेयन का इस्तेमाल जो है हम इन सब इनका यूज हम इस इतनी सारी जगह में करते हैं। तो देखिए, ये रेयन के बारे में हमने पढ़ लिया, तो आपको जो है यहाँ पे मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि भाई रेयन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। दूसरी बात यह है कि रेयन की प्रॉपर्टी ये है कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इसका यूज करते हैं हम बहुत सारे सूट बनाने में, जैकेट बनाने में, स्कार्फ बनाने में, टाइज बनाने में, होम फर्निशिंग में किया जाता है। ओके, तो आपको इतने पॉइंट्स, इसके तीन चार पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे चलते हैं, सेकंड सिंथेटिक फाइबर हमारा हो गया नायलॉन, आप काफी फेमिलियर भी होंगे। नायलॉन वॉज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन क्या है, फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर, सिस्टमेटिक नहीं, सिंथेटिक फाइबर। It was first produced in the early 1930 by the scientists at the DuPont company from coal, water and air. ये आपको इनका नाम याद रखना होगा, DuPont company का, कि ये जो है सबसे पहले 1930 में DuPont company की जानिब से scientists, वहाँ जो DuPont company के scientists थे उन्होंने उसको बनाया था। और इसकी properties क्या है, It is elastic and doesn't strength even after repeated use. ये इलास्टिक की तरह होता है, जैसे इलास्टिक होते हैं ना, आप खींचो तो वो चाहे उनको कंप्रेस करो चाहे उनको एक्सपेंड करो तो वो अपने जो है वापस अपने पोजीशन पे आ जाते हैं एंड वो उनको बार बार यूज करने के बावजूद भी वो कड़े नहीं होते हैं ना, जैसे उनको इलास्टिक, मतलब उनकी इलास्टिक जो है उनके अंदर प्रॉपर्टी वो खत्म नहीं होती। इट इज लस्टरस, ये चमकीले होते हैं, देखने में आपको चमकीले खूबसूरत दिखेंगे एंड इजी टू वॉश, और आराम से आप इनको धुल सकते हैं। इट इज वाटरप्रूफ, दूसरी तीसरी बात क्या है कि ये वाटरप्रूफ होते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स, स्टॉकिंग्स, टेंट्स, अम्ब्रेलास, पैराशूट एंड टार्पोलिंस। जो नायलॉन का यूज है हम सॉक्स बनाने में, स्टॉकिंग्स बनाने में, टेंट बनाने में, अम्ब्रेला बनाने में, पैराशूट बनाने में। देखिए आप जैसे देख सकते हैं ये पैराशूट जो बनाया जाता है ये भी नायलॉन के फैब्रिक का ही बना होता है एंड टार्पोलिंस, जो टार्पोलिंस बनाए जाते हैं ना, जैसे कि फोर व्हीलर का कवर हो गया, ट्रक के कवर हो गए, या फिर ये कि आपके घर में जो टू व्हीलर जिनके भी कवर्स होते हैं, जो इनके कपड़े होते हैं, उनको नायलॉन का बनाया जाता है। नायलॉन फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग टूथब्रश ब्रिस्टेस, इसके अलावा टूथब्रश के जो ये दांत जिन्हें हम बोलते हैं इनका भी नायलॉन का फाइबर इसमें यूज किया जाता है। ड्यू टू देयर हाई स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, नायलॉन थ्रेड्स आर यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, है ना, चूंकि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, इनकी इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, तो इस वजह से इनका इस्तेमाल जो है हम इनका यूज फिशिंग नेट्स में बनाने में, मछलियों के जो जाल, मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बनाए जाते हैं उनको बनाए वहां पे यूज किया जाता है। क्लाइंबिंग रॉप्स, ठीक है, एंड स्ट्रिंग्स ऑफ बैडमिंटन एंड टेनिस रैकेट्स, ठीक है, जो बैडमिंटन और टेनिस के रैकेट्स की जो ये स्ट्रिंग होती है इसका भी यूज हम यहाँ पे भी हम नायलॉन थ्रेड का यूज करते हैं। आगे चलते हैं हम पॉलिस्टर, पॉलिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर, जो पॉलिस्टर होता है ना वो अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स को मिला करके एक फाइबर बनाया जाता है जिसका नाम है पॉलिस्टर। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ पॉलिस्टर इज टेरिलिन,
जो पॉलिस्टर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जिस फाइबर का, उस फाइबर का नाम क्या है? टैनिलिन। इट इज ब्लेंडेड विद नेचुरल फाइबर्स टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी। और इसको जो है नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड किया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो सके। टेरिकॉट, अ ब्लेंड ऑफ टैनिलिन एंड कॉटन। जो टेरिकॉट आपने नाम सुना होगा, ये किसका ब्लेंड है? टैनिलिन और कॉटन का, यानी टैनिलिन और कॉटन को मिला करके एक फाइबर बनाया जाता है जिसका नाम है टेरिकॉट। हैज बेटर एब्जॉर्बिंग पावर एज कम्पेयर टू टैनिलिन। और इसके अंदर जो है टैनिलिन के कंपैरिजन में ज्यादा एब्जॉर्बिंग पावर, इसकी ज्यादा बेटर है एब्जॉर्बिंग पावर। टैनिलिन इज ब्लेंडेड विद वूल टू मेक टेरिवूल। और जब टैनिलिन को हम टेरिवूल के साथ मिलाते हैं, ब्लेंड करते हैं, तो टेरिवूल बन जाता है, विच इज वार्म एडिशन टू ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व इन द पॉलिस्टर। जो कि पॉलिस्टर्स में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा वार्म है, यानी कि जो जितने भी पॉलिस्टर से हमने जो भी फैब्रिक्स बनाए तो उन फैब्रिक्स में सबसे ज्यादा जो गर्म है वो क्या है? टेरिवूल। ओके, प्रॉपर्टीज, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड हैज गुड इलास्टिसिटी। ये मजबूत होते हैं, इनका वेट कम होता है और इनकी इलास्टिसिटी भी काफी अच्छी होती है। इट इज रिंकलिंग एंड स्प्रिंग्स बैक इनटू शेप व्हेन क्रीज्ड। जब इनको क्रीज किया जाता है, मतलब जब इनको एक्सपेंड किया जाता है, तो ये वापस से क्या हो जाते हैं? अपनी शेप में आ जाते हैं। ठीक है, पॉलिस्टर फैब्रिक्स कैन बी वॉश एंड ड्राइड इजिली एंड क्विकली। जो पॉलिस्टर फाइबर्स होते हैं आप उनको आसानी से, आप इनको धुल भी सकते हो और आसानी से ये जो है सूख भी जाते हैं। यूजेस क्या है इनका? पॉलिस्टर इज यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट सेल्स। लाइट वेट जो ये सेल्स बनाई जाती हैं, तो हम ये जो इनके ये कपड़े ये आप देख रहे हैं, ये सेल्स जो होती है, ये जो लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम पॉलिस्टर के फैब्रिक का यूज करते हैं। पॉलिस्टर फिल्म्स कॉमनली नोन एज माइलर आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट रिकॉर्डिंग टेप्स इन ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स एंड फ्लॉपी डिस्क। इसके अलावा इनका इस्तेमाल जो है हम रिकॉर्डिंग टेप्स में भी करते हैं, जिस ऑडियो कैसेट्स में, वीडियो कैसेट्स में और फ्लॉपी डिस्क में भी। टैनिलिन इज यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट एज इट इज वेरी इलास्टिक। जो कन्वेयर बेल्ट होती है ना, आपने देखा होगा जो मशीनें होती हैं उनमें एक बेल्ट लगी हुई होती है जो घूमती रहती है। आपने किसी ऐसी मशीन जैसे कि जो हार्वेस्टिंग मशीन होती है, तो आप उसमें देखेंगे एक बेल्ट लगी हुई होती है, तो उस बेल्ट को हम कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो वहां पे भी पॉलिस्टर के ही कपड़े का, टैनिलिन के फैब्रिक का यूज किया जाता है। टेरिकॉट इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग शर्ट स्कर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस मटेरियल। इसके अलावा टेरिकॉट का जो यूज होता है वो शर्ट बनाने में, स्कर्ट्स बनाने में और दूसरे ड्रेस मटेरियल में। टेरिवूल इज यूज फॉर मेकिंग फॉर्मल सूट्स। और टेरिवूल का यूज जो है वो फॉर्मल सूट्स को बनाने में किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको बस इसको याद रखना होगा। मैं आपको एक्स्ट्रा क्या बात बताऊं, इसमें एक्स्ट्रा बात बताने के यही नहीं कि सारी चीजें आपको खुद ही बताई गई हैं। आपको एक्स्ट्रा जो भी बात बताई जाएगी वो आपके दिमाग से उतर जाएगी। इस वजह से बेहतर ये है कि जो जितनी आपको यहाँ पे बताए गए हैं जितने भी फाइबर्स के बारे में, तो आप इन्हीं को ही अच्छे से याद कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि इन्हीं चीजों को जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ याद करते हैं इस टाइप की कि सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, तो हमें क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है कंफ्यूज करने लगता है। सो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और बार बार इसको जो है एक काम करिएगा, याद पढ़ते पढ़ते उसको लिखिएगा भी, तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। हमारा जो दूसरा फैब्रिक है उसका नाम क्या है? एक्रिलिक। एक्रिलिक फाइबर्स आर आल्सो नोन एज ओर्लोन एंड एक्रिलियन क्लोजली रिजेंबल वूल। ठीक है, ये भी वूल ही की तरह ही होता है, जैसे वूल दिखने में लगता है ना, इसी तरीके से ही एक्रिलिक भी फाइबर होता है। इसका इस्तेमाल जो है आप देख रहे हैं किन किन चीजों में, शॉल बनाने में कर रहे हैं, एंड जो ये कारपेट्स होते हैं, जो ब्लैंकेट्स होते हैं, इनका यूज वहां पे किया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज वार्म, ये वार्म और बहुत गर्म होते हैं, सॉफ्ट होंगे, लाइट एंड फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, इट इज रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड केमिकल। ये जो है मॉथ्स और केमिकल्स के रेजिस्टेंट, यानी कि इन पे मॉथ्स और केमिकल जो है वो काम नहीं कर सकते, वो इनसे ये रेजिस्टेंट होते हैं। यूजेस क्या है? एक्रिलिक इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, सॉक्स, शॉल्स, कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स। तो इनका जो हम यूज यहाँ पे करते हैं। इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर इट हैज बीन स्ट्रेट और कंप्रेस्ड। जब आप इनको इलास्टिसिटी क्या कहते हैं कि भाई किसी मटेरियल में ऐसी एबिलिटी हो कि जब उसको स्ट्रेच किया जाए या उसको कंप्रेस किया जाए तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाए। ओके, तो ये आपको बताई गई थी, ये तो आपको पता ही होगी। आगे चलते हैं स्पैंडेक्स। इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। स्पैंडेक्स एज आल्सो नोन एज लाइक्रा वाज इन्वेंटेड बाय द डू पॉन्ट केमिस्ट जोसेफ शिवर्स इन 1959।
जोसेफ शिवर्स जो कि डूपॉन्ट कंपनी में काम करते थे, साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और उसका जो उन्होंने इन्वेंशन जो किया था उसका नाम क्या था, स्पैंडेक्स। प्रॉपर्टीज क्या है भाई, इट हैज एक्सलेंट इलास्टिसिटी, इसके अंदर एक्सलेंट इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। यानी एक तो बेटर, एक गुड, और एक होती है एक्सलेंट, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी बहुत ही शानदार होती है, विच मेक्स इट सुटेबल फॉर यूज इन क्लोथ्स दैट रिक्वायर स्नग फिटिंग। तो स्नग फिटिंग के लिए जैसे कि आप कुछ स्नग फिटिंग लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो आप देखो कि उसकी फिटिंग कितनी शानदार होती है, ठीक है। तो इसकी इसका इस्तेमाल जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि इसकी बहुत अच्छी है, यानी एक्सलेंट इलास्टिसिटी होती है, और इसका यूज जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में करते हैं। तो यूजेस क्या करते हैं, स्पैंडेक्स इज यूज फॉर मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। इट ऑफन मिक्स विद अदर फाइबर्स, इसके अलावा इसमें जो दूसरे फाइबर्स भी मिला दिए जाते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, टू गेट स्ट्रेच फैब्रिक्स, हमें स्ट्रेच फैब्रिक्स के लिए, विच आर यूज फॉर मेकिंग कैप्स टी शर्ट, जिसका इस्तेमाल जो है हम कैप्स में करते हैं, टी शर्ट के लिए करते हैं, शॉर्ट्स में एंड अदर स्पोर्ट्स में, ठीक है। हमें अगर स्ट्रेच फाइबर्स अगर हमें चाहिए होता है तो हम इसका भी हम उसमें भी स्पैंडेक्स का यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए जोसेफ शिवर्स जो साइंटिस्ट थे इनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद भी रखिएगा। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, अब हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में तो पढ़ लिया कि भाई नायलॉन, रेयन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ठीक है, हमने इनके बारे में पढ़ लिया, बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे एंड डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ओके। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में पहला एडवांटेज क्या है भाई, मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स हैव गुड इलास्टिसिटी। हमने देख लिया कि ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स में अक्सर आपको अच्छी इलास्टिसिटी मिल रही है। मोस्ट फाइबर्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट रिंकल इजीली, ये आसानी से रिंकल नहीं होते हैं, मतलब ये है कि आसानी से सिकुड़ते नहीं है, ठीक है। अगर ये बाई चांस सिकुड़ भी जाए तो आप इनको अगर सीधा करो तो ये हाथ से भी सीधे हो जाते हैं, हल्की से प्रेस करो तो ये भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से जैसे कि आप कॉटन के कपड़े ले लो, तो अगर वो एक बार रिंकल हो जाते हैं जब उनमें क्रीज पड़ जाती है, तो वो क्या होते हैं, उनको जब आप उनको सीधा करोगे तो वो जल्दी से सीधे नहीं होते हैं और उनमें जो है वो क्रीज दिखती रहती है। फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली मोर ड्यूरेबल, और जो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, जो उनके फैब्रिक्स होते हैं, वो मोर ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ज्यादा दिन तक चल जाते हैं, लेस एक्सपेंसिव, वो कम कीमत भी होते हैं, एंड मोर रेडिली अवेलेबल देन दोस मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स, और नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में भी हैं जो हमें आसानी से मिल जाते हैं। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग, और जो ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो हैवी लोड्स को उठा सकते हैं और जल्दी से टूटते नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको अलग अलग फाइबर्स लेने हैं और उन फाइबर्स को आपको चेक करना है कि वो कितना लोड उठा पा रहे हैं, मतलब ये है कि वो कब टूट जा रहे हैं, मतलब कितने लोड तक आप उसमें डाल सकते हो कि वो उसको बर्दाश्त कर ले। मटेरियल्स नीडेड क्या होगा, वेट बॉक्स विद डिफरेंट वेट्स, ठीक है, 1 to 100 ग्राम, आयरन स्टैंड चाहिए विद क्लैंप, हुक और पैन, थिन थ्रेड्स ऑफ नायलॉन, वूल, कॉटन एंड सिल्क ऑफ सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट इक्वल थिकनेस, ठीक है। तो आपको जो है अलग अलग फाइबर्स लेने हैं, नायलॉन ले लेना है, वूल ले लेना है, कॉटन एंड सिल्क ले लेना है, और इसकी जो थ्रेड लेना है वो इनकी थिकनेस एक ही जैसी एक ही होनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं है कि एक को आपने सिंगल ले लिया और एक को डबल ले रहे हैं, नहीं। नायलॉन का थ्रेड लेना है, वूल का, कॉटन एंड सिल्क का लेना है, और आपको वेट बॉक्स लेना है, ठीक है, और हुक और पेन, ये सब चीजें आपको रख लेनी, ये चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। मेथड क्या करना है, टाइप वन एंड ऑफ द नायलॉन थ्रेड टू अ हुक और पेन एंड अदर एंड टू अ क्लैंप। आपको क्या करना है, नायलॉन का जो एक सिरा है उसको आपको हुक से बांध देना है और दूसरे को आपको नीचे क्लैंप से बांध देना है। पुट अ स्मॉल वेट ऑन द हुक या फिर पेन, जो एक जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर ए में, कि आपको यहाँ पे इन्होंने देखिए यहाँ एक तो यहाँ पे इन्होंने बांध दिया हुक से और दूसरा क्लैंप से बांध दिया, और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा वेट रखा, ठीक है, इस पे कुछ वेट डालना है आपको, कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेट टिल द थ्रेड ब्रेक्स, और यहाँ पे जो वेट है वो बराबर से आपको रखते रहना है उस वक्त तक रखते रहना है जब तक कि ये जो धागा है वो टूट ना जाए। जैसे ये धागा जहां पे टूटेगा, ठीक है, जिस जितने वेट पे ये टूटेगा, तो आपको क्या करना है, नोट द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, जिस वेट पे वो धागा टूटा उसको आपको नोट कर लेना है।
रिपीट द प्रोसीजर विद द अदर थ्रेड्स, और जो जितने थ्रेड्स आपने लिए नायलॉन वूल कॉटन एंड से उसके साथ आपको ये प्रोसीजर करते रहना है। ऑब्जर्वेशन क्या निकालेंगे आप, मोर वेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नायलॉन थ्रेड एज कम्पेयर टू द अदर्स। आप ये देखेंगे कि जो नायलॉन का थ्रेड है उसको तोड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई है, मतलब ये है कि नायलॉन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है। कंक्लूजन मारा क्या निकला, द थ्रेड दैट ब्रेक्स एट मैक्सिमम वेट नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि जो नायलॉन है उसका जो थ्रेड है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के जरिए से हमें ये बात पता चल गई कि नायलॉन का जो थ्रेड होता है, नायलॉन का जो फाइबर होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस आपको पता ही है, कुछ डिसएडवांटेज आप अपने घर में भी देख सकते हो कि लाइक अगर आप जो है नायलॉन के या कोई भी दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स आप यूज कर रहे हो, सबसे पहली बात यह है कि आपको उसमें आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, आप किसी स्पेशल ओकेजन पे उसको पहन सकते हो। दूसरी बात यह है कि उनको वही कि वो जल्दी से वो फायर को कॉट कर लेते हैं। ठीक है, उनमें जल्दी से आग लग जाती है। सो हम डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट फाइबर्स मेड फॉर सिंथेटिक फाइबर्स रिक्वायर केयरफुल आयरनिंग एज दे मेल्ट इजीली। पहला डिसएडवांटेज कि आप सिंथेटिक फाइबर्स को आप जब उस पर आयरन कर रहे हो, जब उस पर प्रेस कर रहे हो, तो आपको बहुत ही केयरफुली करना होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। और ये काम 100% हर एक बंदे ने जरूर किया हुआ होता है, मैंने भी किया है। आप जैसे किसी के भी घर पे अगर आपके खुद का सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा ना हो, आपकी मॉम का है किसी का हो, तो आपने उसको एक बार जरूर जलाया होगा। ओके, तो इस वजह से सिंथेटिक फाइबर का पहला डिसएडवांटेज यही है कि सिंथेटिक फाइबर्स को आप जो है इसको आराम से उसकी आयरनिंग करेंगे वरना वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर, और ये बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी मतलब मॉइस्चर, बहुत ही कम नमी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। दे बिकम स्टिकी, ये हमारी बॉडी पे चिपक जाते हैं। व्हेन द बॉडी स्वेट्स, यानी जब बॉडी हमारी स्वेट करती है तो ये हमारी बॉडी पे चिपक जाते हैं, विच मेक देम अनकंफर्टेबल टू वेयर इन द हॉट वेदर। इस वजह से जो है हम इनको हॉट वेदर में, गर्म जो सीजन होता है समर में, हम इनको नहीं पहनते हैं क्योंकि ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, गर्मी इनमें बहुत ज्यादा लगती है। मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर वेरी इजीली, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें मोस्टली जो है वो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी से फायर को कॉट कर लेते हैं, आग लग जाती है उनमें। देयरफॉर इट्स डेंजरस टू वेयर देम नियर अ सोर्स ऑफ फायर, इसी वजह से इनको जो है कोई अगर सोर्स ऑफ फायर है कहीं पे तो वहाँ पे इनको नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे नायलॉन के कपड़े पहन करके ना जाओ, गैस वगैरह के पास, चूल्हे के पास, या कहीं पे आप हाथ अपने सेक रहे हो या कुछ कुछ भी कर रहे हो जहाँ पे आग जली हुई है, तो वहाँ पे आप नहीं जाएंगे नायलॉन वगैरह के कपड़े पहन। अच्छा, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिल्क को कि अगर मॉडल होगा, मतलब रियल का सिल्क नहीं होगा तो वो कैसे बर्न करेगा, लाइक अ पेपर। ठीक है, और अगर रियल का सिल्क होगा वो तो एक जिस तरह बाल हमारे जलते हैं तो वो उस तरह मतलब जलेंगे, और अगर पॉलिस्टर होगा तो वो एक प्लास्टिक की तरह जलेगा। ठीक है, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको चेक करना है, तो आप अपने घर में भी चेक कर सकते हो। चलिए एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या करना है, टू कंपेयर द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ फैब्रिक्स मेड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। आपको नेचुरल फाइबर लेना है और सिंथेटिक फाइबर लेना है, और उसके अंदर ये देखना है कि भाई किसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब कौन ज्यादा ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। सो मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, टू क्लोथ पीसेज ऑफ इक्वल साइज, वन मेड ऑफ कॉटन एंड द अदर ऑफ नायलॉन। तो आपको एक कपड़ा लेना है इक्वल साइज का, और उनमें से एक कॉटन का हो और दूसरा जो है वो नायलॉन का हो, एंड बीकर्स या फिर मग कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, और उस एक मग या बीकर लेना है जिसमें एक इक्वल अमाउंट में वाटर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसमें 1 लीटर वाटर है तो इसमें भी 1 लीटर वाटर या 2 लीटर वाटर ही होना चाहिए। ठीक है, और कपड़ा भी आपका सेम साइज का होना चाहिए, नहीं कॉटन आपने 2 मीटर ले लिया और जो नायलॉन आप 1 ही मीटर ले रहे हो, नहीं कॉटन का जो भी कपड़ा है, जो भी क्लोथ का पीस है, उसका साइज भी इक्वल होना चाहिए और वाटर भी इक्वल होना चाहिए। मेथड क्या करना है, सोक ईच क्लोथ पीस इन अ डिफरेंट बीकर, उसके बाद आपको जो है दोनों अलग अलग बीकर में आपको एक एक कपड़ा रख देना है, एक में नायलॉन का रखेंगे और एक में कॉटन का रखेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद टेक आउट द क्लोथ पीस एंड ऑब्जर्व द वाटर रिमेनिंग इन द बीकर। आपको दोनों कपड़ों को निकाल लेना है और ये देखना है कि बीकर में वाटर कितना रह गया है। ऑब्जर्वेशन, आप क्या देखोगे, मोर वाटर इज लेफ्ट इन द बीकर मग इन विच द नायलॉन क्लोथ वॉज सॉक्ड,
और आप ये देखेंगे कि जिसमें आपने नायलॉन का कपड़ा रखा हुआ था तो उसके अंदर ज्यादा पानी है, मतलब ये है कि नायलॉन के कपड़े ने ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं किया, जबकि जिस बिकर में आपने कॉटन का कपड़ा रखा हुआ था उसके अंदर आपको पानी कम मिलेगा। तो इसी हमें ये बात पता चलती है, कंक्लूजन ये निकलता है, नायलॉन एब्जॉर्ब्स लेस वाटर एज कम्पेयर टू कॉटन, कि नायलॉन जो है वो वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है। हमने अभी भी पढ़ा ना कि वो उनके जो मॉइस्चर है उसको वो कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो नायलॉन के बारे में हमने ये देख लिया कि नायलॉन जो है वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है और कॉटन जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ओके चलिए, अब हमारे पास आगे एक और एक्टिविटी, लेट्स रिमेम्बर एक एक्सरसाइज है, इसे हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन, करेक्ट द फॉल्स वन। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अभी भी पढ़ा बिल्कुल ट्रू है। पॉलिस्टर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज, फॉल्स, पॉलिस्टर नहीं बनाए जाते हैं बल्कि रेयन जो है वो हमारा सेलुलोज का बना हुआ होता है। ऐसे एक्रिलिक फाइबर्स क्लोजली रिजेंबल वूल्स, बिल्कुल ट्रू है। टेरी वूल इज अ ब्लेंड ऑफ टेरी लीन एंड वूल, बिल्कुल ट्रू है। स्पैंडेक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, ये भी बिल्कुल ट्रू है। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स हैव वेरी हाई मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ये फॉल्स है कि ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स में हाई मॉइस्चर नहीं होता है बल्कि उनके अंदर जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है बहुत ही लो होती है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑरेल, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर्स? फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। व्हिच फाइबर्स इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? मैंने बोला था ये आपको कि आप इसको ध्यान रखिएगा, वो क्या है? रेयन। ओके चलिए, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चैप्टर आपका इजी है, आपको बस इस चैप्टर में कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। रेयन की कैपेसिटी, नायलॉन, जितने भी हमने फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा है आपको उसको याद रखना होगा, ठीक है? ये याद करने वाला थोड़ा सा चैप्टर है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए।